आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने फ़ोन में मूविंग कीबोर्ड प्रॉब्लम ठीक कैसे करें। तो यहाँ पे अगर आप अपने फ़ोन में टाइपिंग के लिए कीबोर्ड ओपन कर रहे हैं तो इस तरीके से कीबोर्ड आता है, तो आप इसे मूव कर सकते हैं, इस तरीके से ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो इसे नॉर्मल कैसे करें, पहले जैसा कैसे करें, तो इसके लिए जब टाइपिंग के लिए कीबोर्ड ओपन करेंगे तो आपके कीबोर्ड में लेफ़्ट में ये वाला आइकन आएगा, तो आप ये इस वाले आइकन पे क्लिक करिए। यहाँ पे ये फ्लोटिंग आएगा, फ्लोटिंग बटन, तो आप ये फ्लोटिंग पे क्लिक करिए। फ्लोटिंग पे जैसे ही क्लिक करेंगे अब कीबोर्ड पहले जैसा हो गया है, बट अगर नहीं होता है तो इसके लिए फ़ोन में सेटिंग्स ओपन करिए। सेटिंग में नीचे आइए, ऐप्स पे क्लिक करिए, ऊपर ऐप मैनेजमेंट आएगा या फिर मैनेज ऐप्स आएगा, इस पर क्लिक करिए। अब फ़ोन के सारे ऐप आएंगे तो नीचे आइए, नीचे आएंगे तो आपके फ़ोन में ये जीबोर्ड आएगा या फिर गूगल कीबोर्ड आएगा, इस पर क्लिक करिए। ऊपर ये फोर्स स्टॉप करिए, नीचे फिर से इस पर क्लिक करिए और नीचे स्टोरेज यूसेज पे क्लिक करिए, क्लियर कैसे करिए, क्लियर डेटा पे क्लिक करिए, डिलीट या फिर ओके करिए। तो ये करने से आपके फ़ोन में कोई डेटा कुछ डिलीट रीसेट नहीं होता है। तो ये सेटिंग्स अप्लाई होने के बाद अब चेक करिए, कीबोर्ड पहले जैसा हो गया है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।